दर्शन शास्त्र विभाग के दो शिक्षकों पर एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किए जाने शिक्षक संघ कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बुधवार को विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने घटना का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया तथा अपने गुस्से का इजहार किया। कार्यकारिणी में लिए निर्णय के अनुपालन में शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को अपने गृह जनपद आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया और मामले में उचित कार्यवाही की मांग की, जिस पर सीएम ने प्रकरण पर निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया। सर, आज आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कल हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य और आम सभा के मिलाकर करीब 200 शिक्षकों ने कल यह प्रस्ताव पास किया था कि कल हम लोग जो है काली पट्टी बांध करके शिक्षक कार्य करेंगे और हमारे सभी शिक्षक काली पट्टी बांध करके 9:45 बजे से कक्षाओं में गए। मैं स्वयं 10:15 बजे तक था, इसके बाद मुख्यमंत्री जी के आने का कार्यक्रम था तो मैं निकल गया गोरखनाथ मंदिर। मेरी मुलाकात 2:45 पर माननीय मुख्यमंत्री से हुई और मैंने सारे प्रकरण से उनको अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, निष्पक्ष जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और किसी भी शिक्षक को अकारण पुलिस या कोई भी परेशान नहीं करेगा, आप आश्वस्त रहें, बगैर निष्पक्ष जांच के कोई कार्रवाई नहीं होगी।